हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में किसी भी प्लगइन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट में प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा वर्डप्रेस के एडमिन पैनल और बैकएंड में। ये मेरा एक वेबसाइट है onestoptech.co.in। इसी वेबसाइट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इस वेबसाइट के बैकएंड में हम लॉगिन करते हैं। ये आप देख सकते हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकएंड, जहां से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अब यहां से आपको जाना पड़ेगा प्लगइन सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लगइन्स ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना पड़ेगा ऐड न्यू ऑप्शन में, देन क्लिक ऑन ऐड न्यू ऑप्शन। अब आप देख सकते हैं इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। राइट साइड में आपको प्लगइन्स को सर्च करने के लिए एक सर्च बॉक्स दिया गया है। अगर आपको प्लगइन्स का नाम मालूम है तो आप यहां से टाइप करके उस प्लगइन्स को ढूंढ सकते हैं। तो ठीक है, एक नया प्लगइन्स को हम यहां पे सर्च करके उस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टाइप किया है उस प्लगइन का नाम। उस नेम के रिलेटेड जो भी प्लगइन्स अवेलेबल हैं वो सब यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे जो प्लगइन चाहिए वो ये है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। तो दोस्तों, किसी भी प्लगइन्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको जस्ट इंस्टॉल नाउ बटन में क्लिक करना पड़ेगा। तो ठीक है, क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग, मतलब कि प्लगइन जो है अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो फाइनली प्लगइन इंस्टॉल हो गया है। अब किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद जो मेन काम होता है उसे एक्टिवेट करना। तो अब आपको यहाँ पे एक्टिवेट में क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में जो भी मेनूज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया मेनू ऐड हो गया है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अगर आप उस प्लगइन को यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये जो प्लगइन है, इस प्लगइन से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप ले सकते हैं। और मान लीजिए इन केस किसी कारण आपका वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उस बैकअप से अपने वेबसाइट को रिस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस में किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।